हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं मूंग दाल और आटे से बहुत सारे नमक पारे। तो यहाँ पे हमने ये मूंग दाल को भिगो दिया, तो हमारी ये फूल गई है। इसको हमने 4 घंटे पहले भिगोया था, तो ये हमारी अच्छे से फूल गई। आप ओवरनाइट भी इसको भिगो के रख सकते हैं। तो ये हमने मिक्सी जार में डाल के अच्छे से इसको मतलब बारीक इसको पीस लिया है। तो यहाँ पे हमने कलौंजी डाल दी है हाथ से क्रश करके, और ये हमने कूट के काली मिर्ची इसमें ऐड कर दी है, और ये थोड़ी सी 1/4 चम्मच इसमें थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दी है। तो इसमें मतलब अच्छा टेस्ट आता है, ज़रा थोड़ी डालना, ज़्यादा नहीं। और स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर दिया है, और ये हमने कलर के लिए 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर दी है। तो ये सारे मसाले इसी में अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही। इसके सारे सारे मसाले हमारी दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा टेस्ट के लिए काला नमक भी इसमें ऐड करे दे रहे हैं। आप इसमें थोड़ी कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने 4-5 बड़ी चम्मच ऑयल लिया है, रिफाइन ऑयल। इसको भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना हमारी आटा इसमें मिक्स करेंगे ना, जब नमक पारे बनाएंगे तो लेयर अच्छे से बन के आती है। और ये हम यहाँ पे हमने 1 कटोरी ये आटा भर के लिया है। तो इसमें मतलब पहले थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है, और इस दाल को जब पीसना है ना, अगर ना पीसे तो 2-4 चम्मच पानी मतलब ऐड करना, नहीं तो इसमें पानी नहीं ऐड करना आपको। इसी के साथ में अच्छे से इसको आटे को गूंथना है, जितना इसमें पड़ता जाए उतना उतना करके आपको डालना है। तो हमारा यहाँ पे 2 कटोरी आराम से पड़ गया था। तो ये देखो हमने एक टाइट मतलब मुलायम बढ़िया था डो लगा के तैयार आपको करना है। तो ये हमारा डो लग कर तैयार हो गया। तो इसको हम 1/2 घंटे के लिए ऐसे ढककर इसको छोड़ देंगे, तो हमारा ये डो सेट हो जाएगा 1/2 घंटे में, 20 मिनट के लिए जितना भी छोड़ो आप। तो जब तक हमारा डो सेट हो रहा है, तब तक हम इधर साटा बना लेंगे। तो इसके लिए हमने 4-5 चम्मच ऑयल लिया है। आप यहाँ घी में भी आप बना सकते। तो ये हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल दो, या तो अरारोट डाल दो, या नहीं हो दोनों तो फिर आप इसमें मैदा डाल के भी ये पेस्ट बना सकते हैं। तो ये हमारा साटा बनकर तैयार हो गया है। इसको ना हम अपने नमक पारे में अप्लाई करेंगे। तो इधर हमारा ये डो भी आध घंटा में ये हमारा सेट हो गया है। तो इसको भी हम लेकर इसके पेड़े बना लेंगे, ऐसे बड़े बड़े ऐसे करके पेड़े बना लेंगे। तो इसको एक एक को लेकर इसको चपाती की तरह बड़ा करके इसको बेलेंगे। तो हमारा ये चकला छोटा पड़ गया, तो हम इधर ऐसे इसको बड़ा करके इसको बेल लिया है, सिलप पे इसको बेल लिया है अच्छे से साफ करके। तो ये हमारा बड़ी सी मतलब आपको चपाती की तरह गोल बनानी है, तो उसके ऊपर हमने साटा लगा दिया था। साटा लगाने के बाद थोड़ा आपको सूखा आटा भी डालना है। तो इस तरह से आपको ऐसे मोड़ना है, इधर से मोड़ना है मतलब इक्वल पार्ट में ऐसे करके, और दबा भी देना है, और इधर से भी आपको मोड़ना है। फिर हमको ये यहाँ पे साटा अप्लाई करना है। तो ये हमने ऐसे साटा इस पर डाल दिया, और इसको भी अच्छे से सारी में फैला देना है, क्योंकि कहीं भी मतलब वो छूटना नहीं चाहिए। जब हमारी लेयर बन के आती है ना, तो ये बहुत अच्छे से बनती है। तो इसको अब हमें स्क्वायर शेप देना है। तो ऐसे इसको इस तरह से दोनों साइडों से ऐसे मोड़ दिया है, इसको भी दबा दिया है इस तरह से। सूखा आटा लगा के आप इसको स्क्वायर में ही अच्छे से बेल लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें 2 बार करना होता है ना, दोनों बार साटा लगा के इसको अप्लाई करना होता है। इससे ना हमारी लेयर बहुत अच्छे से खुल के आती है। तो ये हमारा बन गया ना, इसको हमने बड़ा करके बेल लिया पतला करके, फिर हम इसको फिर दोबारा इस पर साटा लगा कर इसको अच्छे से ऐसे हाथों से ही इस पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा सूखा आटा भी यहाँ पे मैदा डाल देंगे। अब हमें इसको इस तरह से ऐसे मोड़ना है, ऐसे हमने ये मोड़ दिया, इसको दबा दिया हाथों से। अब ये दूसरी साइड की लेयर लेके इसी के ऊपर हमको ऐसे रखनी है इस तरह से। ऐसे हो गया हमारा। अब हम इसको अच्छे से
थोड़ा सा पतला कर लेंगे इसको, ये सारी लेयर को अच्छे से इसमें मतलब ये सेट हो जाएंगी, चिपक जाएंगी अच्छे से। तो इसको हम ऐसे थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे सारी साइडों से ऐसे कर। ये हमारा हो गया लंबा लंबा। आप चाहो तो यहाँ पे सारे पेड़े ऐसे बेल के एक साथ ही ऐसे सारे रख सकते हो, फिर बाद में एक साथ ही इनको मतलब काट लेंगे नमक पारों को। तो ये हमारा हो गया रेडी। तो हम यहाँ पे ऐसे आधा आधा इंच के पतले पतले नमक पारे ऐसे काट लेंगे इस तरह से। ये देखो हमारे सारे कट गए हैं इस तरह से, आपको मैं दिखा रही थी ऐसे। तो ये हमने इधर ऑयल रख दिया, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मतलब लो मीडियम फ्लेम पे ही इनको हम डाल देंगे। और इनको अभी चलाना नहीं है, इनको जब तक ये ऑयल में ऊपर ना आ जाए तब तक, तो इनको ऐसे धीरे धीरे से ऐसे जब ऊपर आ जाए तब इनको हल्के हाथों से पलटना है। तो ये हमारे धीमी आँच पे ऐसे सिक कर आ जाएंगे, छः सात सात आठ मिनट इसमें लग जाती है धीमी धीमी आँच पे ये सिक कर आते हैं ना, तो बहुत अच्छे एकदम से करारे बनते हैं। तो ये देखो ऐसे हमारे ऐसे बन जाएंगे, इनको सिकने देते हैं तो फिर इनमें सात आठ मिनट अच्छे से लग जाती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो इधर हम दूसरी ट्रिक से बना लेते हैं। तो हमने ये पाँच छः पेड़े बना के रख लिए, तो इनको भी हम ऐसी पूड़ी की तरह ये पूड़ी शेप में सारी ये पूड़ियाँ हम बना के रख लेंगे। तो इनको हम ऐसे पूड़ियों की तरह बेल के और फिर इन पे भी हम वही साटा अप्लाई कर देंगे। जब साटा अच्छे से इस पे लगा देंगे फिर इनको हमको ट्राइंगल शेप देना है। ये भी नमक पारी बहुत अच्छी लगती है बच्चे, और मतलब किसी नई नई शेप की बनाओ तो और ज़्यादा अच्छे से खाते हैं। तो फिर ये हमने ऐसे कर दिया, इसको हम ऐसे ट्राइंगल शेप में ऐसे मोड़ देंगे। इसको ऐसे दबाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जब हमारे ऑयल में जाएंगे ना तो फिर अच्छे से इनकी लेयर खुल के आएगी। तो इस तरह से ऐसे हम सारे ऐसे कर लेंगे। तो इसके बाद इसमें आप चाहो तो हल्का सा, ज़्यादा मोटा लगे तो हल्का सा बेलन चला के थोड़ा पतला कर दो, ये अच्छे से ये सारी मतलब लेयर भी हमारी दब जाएंगी तो और ये अच्छे से हो जाएंगे इस तरह से। ऐसे ऐसे करके इसे सारे बना लेंगे, फिर हम सारे एक साथ ही इनको तलने के लिए ऑयल में डाल लेंगे। तो ये देखो हमने बना लिए, ये आपको दिखा रहे इस तरह से ऐसे इतने मोटे करने। तो ये इधर हमारे ये सिक जाएंगे, इधर डाल लेंगे। आप ज़रूर बनाएं इनको एक बार, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और चाय के साथ तो और भी अच्छे लगते हैं। आप इनको बनाकर एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये जब ऐसे ऊपर को आ जाए उसके बाद ही आपको पलटना है, जब ऑयल में ऊपर आ जाए अपने आप ही उठ के। तो ऐसे धीरे धीरे से धीमी आँच पे ही इनको आपको तलना है। तो इधर हमने वो इस तरह डाल दिया, अगर आपको लगे कि ये फूल जाते हैं, फूलते तो नहीं हैं, तो आपको ऐसे फॉक से ऐसे मतलब इसमें छेद बना देने हैं। तो ये और भी अच्छे से मतलब ये धीमी आंच पे सेकोगे ना तो बहुत करारे सिककर आएंगे। तो ये हमने इधर चार चपाती बना ली हैं। तो अब हम दूसरी ट्रिक से बना रहे, तो फिर हमने ये चार चपाती बना के रख ली है, इसके ऊपर हमने ये साटा अप्लाई कर दिया है और इसी के ऊपर हम इस चपाती को ऐसे डाल देंगे, मतलब एक के ऊपर एक चारों को डाल देंगे। साटा लगाएंगे, फिर इस पर थोड़ी मैदा डालेंगे, फिर ऐसे इसको इसी के ऊपर लगा देंगे। और इसको ये जब मोटी हो जाती है ना तो थोड़ी इसको बेलन से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी चारों चपाती अच्छे से इसमें चिपक जाएँ, इसलिए तो हम इसको मतलब थोड़ा बेल लेंगे। जब हमारी अच्छे से ये बिल जाए ना, जब ये हमारी अच्छे से बिल गई ना, तो अब हम इसको सेब में काटेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर काजू सेब इसको दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये ऑयल का मतलब बोतल का ये कैप लिया है, इससे आप ऐसे अच्छे से ये बना लोगे। तो फिर ये काजू शेप में आप जैसे भी बनाओ ना, मोटे पतले आपके अच्छे से कट कर आ जाएंगे। वो ढक्कन ना लो, अगर आपको छोटे बनाने हैं तो ये छोटा वाला कैप लेके, इससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये बोतल के ढक्कन से अच्छे से आप इनको छोटे 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 करके इनको सारे काजू सेब दे दो। ये काजू सेब के तो बच्चे बहुत खाते हैं मन,
बहुत मन से खाती है। तो इधर हमारे ये सारे कट गए हैं, ये जो लोई है ना इसमें सारा कुछ लगा हुआ है ना, इसको ऐसे ही सीधा सीधा बंद इसको करके इकट्ठा करके ऐसे गोल गोल करके इसको चाकू से काट दो, इसकी भी लेयर खूब अच्छे से निकल के आती है। तो ये हमने डाल दिए ऑयल में, आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ये देखो ऐसे ऑयल ये इसकी मतलब लेयर खुल रही है। ये हमारे बनकर सिक्कर मतलब तैयार हो गई, इतने ढेर सारे बने हैं। तो ये देखो ये काजू सेब के हैं, तो ये देखो इनकी लेयर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखो तोड़ के देखो कितने करारे बने हैं। प्लीज़ इनको आप बनाएं एक बार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और भी आगे रेसिपी देखने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारे ढेरों बनकर तैयार हुए, तो अब हम इनको मतलब 1-2 घंटे बाहर रहने दो, जब अच्छे से ठंडे हो जाएं उसके बाद आप इनको एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें। तो आप इसको ऐसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं और महीनों तक खा सकते हैं, चाय से मज़े ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।